हेलो फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो में हमने बात की थी नेगीची क्रॉस कपलिंग रिएक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टीलेट कार्बन कार्बन क्रॉस कपलिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले स्टीलेट में किस तरह का कॉम्प्लेक्स यूज़ होता है? इसमें इसमें टीन कॉम्प्लेक्स यूज़ होता है। किस वाला कॉम्प्लेक्स? टीन, SN, SN टीन का कॉम्प्लेक्स यूज़ होता है। और वो किस में आता है? पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो जो कार्बन वाली कॉलम है, कार्बन वाली, उस कॉलम में ये टीन आता है। ओके, तो ये कार्बन जैसी ही प्रॉपर्टी होगी इसकी, मगर पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे तरफ आप लोग जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले ये टीन कॉम्प्लेक्स है। अब ये टीन कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालिस। तो आपको पता ही है कि कपलिंग प्रोडक्ट मिलेगी, R1 एंड R2 कपल हो जाएंगे और उसके बाद ये टीन कॉम्प्लेक्स आपको वापस मिल जाएगा। अब यहाँ पर R1 की जगह टीन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या यूज़ होता है? एलाइलिक चेन यूज़ होती है, अल्केनाइलिक कंपाउंड यूज़ होता है, एराइल कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर अल्काइल हैलाइड में R2 की जगह क्या यूज़ होता है? वहाँ भी अल्केनाइल, एराइल और एसाइल ग्रुप यूज़ होता है। और एक्स की जगह हेलोजन और गुड लिविंग ग्रुप यूज़ होते हैं। मगर यहाँ पर आप लोग कहीं गूगल पे सर्च करोगे तो स्टीलेट कपलिंग की एप्लीकेशन या स्टीलेट कपलिंग रिएक्शन, तो वहाँ पर क्लोरीन दिया तो होगा, मगर क्लोरीन रेयरली यूज़ होता है, क्योंकि क्लोरीन है वो आयोडीन और ब्रोमीन उससे कंपेरिजन में वो गुड लिविंग ग्रुप है क्लोरीन के कंपेरिजन में, क्योंकि उसकी साइज़ ज़्यादा है। क्लोरीन के कंपैरिजन में ब्रोमीन आयोडीन की साइज़ क्या है? ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। तो उसकी वजह से वो बॉन्ड जो बनता है कार्बन आयोडीन और कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, वो इजीली ब्रेक हो सकता है। इसी वजह से मोस्टली आयोडीन कॉम्प्लेक्स यूज़ होते हैं और ब्रोमीन कॉम्प्लेक्स यूज़ होते हैं, क्लोरीन मीन्स रेयर केस में यूज़ होता है। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? 1978 में जॉन स्टीलेट ने की थी। ओके, अब ये इसका कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। अब ये टॉलरेट अ वाइड वेराइटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद है आर नॉट सेंसिटिव टू मॉइस्चर ऑफ मॉइस्चर और ऑक्सीजन अनलाइक अदर रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड द डिफिकल्टी टू रिमूव द ट्रेस ऑफ टीन बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। इसका मतलब ये है कि ये जो टीन कॉम्प्लेक्स है वो मॉइस्चर सेंसिटिव नहीं है। अब क्यों नहीं है ये बाद में बताता हूँ कि जब कोई भी, मान लीजिए कि BF3 है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड है, तो वो लुइस एसिड है, मीन्स उसकी जो पी ऑर्बिटल होगी उसमें लास्ट वाली सब सेल होगी वो एम्प्टी होगी, क्योंकि NS, ओके, वो लास्ट वाली सब सेल एम्प्टी होगी। तो एम्प्टी होने से वो क्या, किस तरह से वो एक करेगा? BF3 लुइस एसिड मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है किसी और के पास जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो मॉइस्चर सेंसिटिव है, मीन्स कि H2O की प्रेजेंस में वो BF3 होगा तो वो क्या करेगा? मीन्स BF3 ले लो, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड ले लो, तो वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो H2O के लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे और वो मॉइस्चराइज हो जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पर टीन कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या है, टीन कॉम्प्लेक्स को आप लोग देखोगे तो SN मीन्स कार्बन वाली सीरीज में आएगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? चार। तो यहाँ पर देखिए टीन का कॉम्प्लेक्स में चारों चार वैलेंसी फ्यूल है, मीन्स 3 अल्काइल ग्रुप है और 1 R1, मीन्स चार वैलेंसी फ्यूल है। तो वहाँ पर पी ऑर्बिटल बची ही नहीं है, पी ऑर्बिटल होगी तो लोन पेयर एक्सेप्ट करके वो मॉइस्चराइज होगा ना, अभी तो है ही नहीं, इसलिए ये मॉइस्चर सेंसिटिव नहीं है। ओके, और यहाँ पर ये टॉक्सिक भी है, ये मेटल है वो टॉक्सिक है, और उसी वजह से यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट यहाँ पर हमको मिलता है इसमें से, ये रिमूव करना थोड़ा आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। रिमूव हो ही जाता है मगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, चार वैलेंसी स्टेबल ही है, उसको वैलेंसी है उतनी उसको मिल चुकी है, तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अब ये यहाँ पर रिएक्शन को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीन है वो उसके पास जो अल्काइल ग्रुप है वो अल्काइल ग्रुप वेरी बल्की है, तो बल्की अल्काइल ग्रुप टीन के कॉम्प्लेक्स में होने पर वो स्टेरिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, रिएक्शन को रेट लो हो जाता है उसी वजह से, स्टेरिक फैक्टर की वजह से। तो इसी वजह से इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है।
ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये है स्टील रिएक्शन का कुछ प्रिंसिपल। देखते हैं कैटालिटिकल साइकिल, ये तो बहुत इजी है। पैलेडियम जीरो कॉम्प्लेक्स ले लिया, अभी अल्काइल हैलाइड के बीच में यहाँ पर पैलेडियम कॉम्प्लेक्स इंसर्ट होगा, इंसर्ट हो चुका है और पैलेडियम जीरो से पैलेडियम प्लस टू बन जाएगा और फिर ये टीन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इंसर्ट होगा। तो टीन कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, यहाँ पर ये हेलोजन ग्रुप है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और उसके पास जो आर वन ग्रुप होगा वो यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। तो कुछ इस तरह से हमको इंटरमीडिएट मिलेगा। उसके बाद थ्रू रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू आपको पता ही है दो आर वन ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे ट्रांस सीस फॉर्म में, तो इसी वजह से ये कपलिंग प्रोडक्ट हमको मिल जाती है और फाइनली हमको पी डी प्लस टू में से पी डी जीरो कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। कैटालिटिकल साइकिल तो हमने अगले कई सारे वीडियो में डिस्कस की ही है, तो अब देखते हैं उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। अब यहाँ पर देखिए, ये है अल्काइल हैलाइड लाइक कॉम्प्लेक्स है, मीन्स RX, जहाँ पर दो आयोडीन ग्रुप अटैच है, यहाँ पर दो आयोडीन ग्रुप है और ये टीन कॉम्प्लेक्स है। टीन कॉम्प्लेक्स में देखिए गौर से तो क्या है कि दो तरह से टीन कॉम्प्लेक्स अटैच हैं वाया इथिलीन चेन। तो ये है इथिन, इसको हम लोग इथिन बोलते हैं। अब क्या करेगा, यहाँ पर दो आयोडीन ग्रुप है तो यहाँ पर ये टीन वाला कॉम्प्लेक्स इस पहले वाले आयोडीन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये दूसरा वाला SnBu3 होगा दूसरे आयोडीन को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पर बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट में, यहाँ पर आपको कर्सर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर न्यू बॉन्ड फॉर्म हो चुका है और ये जो है ये एंटी बैक्टीरियल बायोटिक मटेरियल है, एंटीबायोटिक मटेरियल है। ये क्या है, एंटीबायोटिक मटेरियल है। देखिए दूसरा एग्जांपल ये, यहाँ पर आप लोग गौर से देखोगे तो यहाँ पर ये भी अल्काइल हैलाइड टाइप कंपाउंड ही है, यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये टीन कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा, आपको पता ही होगा यहाँ पर टीन है वो इस ब्रोमीन को अट्रैक्ट कर लेगा और ये जो अल्काइल चेन है वो यहाँ पर कपल हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह से हमको इंटरमीडिएट लाइक प्रोडक्ट मिलेगी। उसकी डील्स एल्डर रिएक्शन, आप लोग ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का पार्ट है डील्स एल्डर रिएक्शन, जिसमें 4+2, 2+2, 2+C जैसी साइक्लो एडिशन आती है। तो ये डील्स एल्डर वेरी फेमस रिएक्शन है, आप लोग गूगल पे जाके कहीं पर सर्च कर सकते हो। तो ये यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा और फाइनली 12 स्टेप आपको रिक्वायर होंगे कुछ अलग तरह के। उसके 12 स्टेप करने के बाद आपको ये अर्सिनल ए मिलेगा। अब ये क्या है, ये मरीन अल्कलॉइड है और ये एंटी ट्यूमर एजेंट, एंटी ट्यूमर मींस आपको ब्रेन में या कुछ आपके बॉडी में कहीं ट्यूमर प्रोड्यूस हुआ है तो उसको निगलेक्ट करने में इसका यूज होता है। मींस ये ट्यूमर मींस ये वन टाइप का कैंसर सेल ही है। ओके, तो ये ट्यूमर एजेंट की स्टार्टिंग में जो रिएक्शन होती है वो क्या है, ये वाली, ये है स्टीलेट रिएक्शन। इसीलिए वजह से मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर देखिए ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट तीन कॉम्प्लेक्स है, एक ये वाला और एक ये वाला और यहाँ पर सिंगल एराइल आयोडीन कंपाउंड है। ओके, सिंगल अल्काइल हैलाइड कंपाउंड है जिसकी पैलेडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। अब क्या होगा, आपको पता ही होगा यहाँ पर टीन है, यहाँ पर देख सकते हैं ये टीन कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर आयोडीन है, तो ये दोनों बॉन्ड यहाँ पर कपल हो जाएंगे। फिर यहाँ इस वाली कंपाउंड टीन कंपाउंड में देखिए नीचे वाली, यहाँ पर टीन ग्रुप लगा हुआ है SN का और यहाँ पर आयोडीन, तो ये दोनों बॉन्ड कंबाइन हो जाएंगे और फाइनली आपको देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट में। ओके, उसके बाद कुछ स्टेप यहाँ पर भी रिक्वायर है कुछ इसका कन्वर्जन क्वाड्रिजमिन में हो जाता है, क्वाड्रिजमिन सी में। ये पाल प्लांट अल्कलॉइड है, ये साइकोट्रिया ट्री में से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है और ये अमेजोन के पीपल जो थे वो इसको पेन का ट्रीटिंग करने में इसका यूज करते हैं। अभी आपको ये आज के ज़माने में भी आपको पता ही होगा कि कई ऐसे प्लांट होते हैं जिसका यूज़ होता है कि हमें कहीं पर पेन हो रहा है तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग वो पेन रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरह ये नेचुरल प्रोडक्ट ही है, उसमें ये कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं पहले से ही
वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे के ब्रेन पेन को ट्रीट करने में, वो हमको पता नहीं होता है। तो उसका स्टडी करने के बाद, उस प्लांट का स्टडी करने के बाद आपको पता चलता है कि कौन सा वाला कंपाउंड है वो रिस्पॉन्सिबल है वो पेन को ट्रेस करने में, और फिर उसका लेबोरेटरी सिंथेसिस आप लोग कर सकते हो उसकी मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करके। और अब देखिए, ये जो हमने रिएक्शन देखी थी ये इंटरमोलेक्युलर था ना, अब देखते हैं इंट्रामोलेक्युलर। मींस मैंने पहले भी बताया था कि स्टार्टिंग मटेरियल एक ही कंपाउंड होगा और उसमें इंट्रामोलेक्युलर ही कपलिंग हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर भी एक्स ग्रुप है, यहाँ पर भी हेलोजन, दोनों ही हेलोजन है। यहाँ पर तीन कॉम्प्लेक्स लिया है, किस तरह से लिया है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तीन कॉम्प्लेक्स आपस में जुड़े हुए हैं फ्यूज, तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दोनों हेलोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर कपलिंग बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी यही है, यहाँ पर हेलोजन की जगह इसने क्या ग्रुप ले लिया है, OTF, ओके, टोसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह से है, यहाँ पर सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स लिया है, क्योंकि अब देखो ये सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स क्यों लिया है, अब कार्बन वाली सीरीज में टीन आता है, आपको पता है। अब कार्बन वाली सीरीज में सिलिकॉन भी आता है, क्योंकि वो जो कार्बन वाली सीरीज है उसकी प्रॉपर्टी में जो भी एलिमेंट आएंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि वैलेंसी, इस तरह से सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह उसी फैमिली वाला कॉम्प्लेक्स आप लोग यूज़ कर सकते हो, मतलब मैं प्रॉपरली नहीं कह रहा हूँ, मगर ये ऐसा ही है, वो इसी तरह लिया हुआ है, ये इसकी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिली। अब ये हमने देखी स्टीलेट रिएक्शन। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अब कौन सी वाली रिएक्शन बाकी है, सोनोगासीरा, हाँ सोनोगासीरा रिएक्शन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।